चले। आऊं खुदावन के घर चले, जहां बरकतें मिलती हैं, जहां बरकतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, जहां नेमतें मिलती हैं, जहां नेमतें मिलती हैं। आऊं खुदावन के घर चले, आऊं खुदावन के घर चले। बुरे हलाता चो मेरा यीशु कटदा बुरे हलाता चो खिच के ले आवे ओ मौत दिया राता चो खिच के ले आवे ओ मौत दिया राता चो कटदा बुरे हालातां चो खरा है चरवाहा सांबे पेटाणो खरा है चरवाहा सांबे पेड़ानू करदा ए रखवाली ओ सांबे पेड़ानू करा है वे रखवाली ओ सांबे पेड़ानू चुन चुन दे वे ओ नानू चंगियां दाता चो चुन चुन दे वे ओ नानू चंगियां दाता चो मेरा यीशु कटदा बुरे हालातां चो मेरा यीशु कटदा बुरे हालातां चो। सलामे मरियम फजल नाल भरी होइए प्रभु तेरे नाल है, तू औरतों विचों तन है अते तन है तेरे कुक दा फल। बाप बेटा रूपा ते नाम उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फसल खुदा बाप दा प्रेम अते रूपा दी सांच तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीह विच मेरे भराओ भैणो, अज खास करके रोजरी दी माँ तनकुवारी मरियम दे त्यौहार मनाउंदे हन। हर साल असी अक्टूबर 7 तारीख नू इस सारे दुनिया इस परब नू मनाउंदे हन। आज असी भी असी इस पवित्र कुरबानी नू माँ मरियम दे आदर विच समर्पण करिए, खास करके अपना डायसिस विच प्रार्थना भवन रिट्रीट सेंटर जिते लुधियाना विच जिन्ना भक्त लोग उत्ते जांदे हन उन्हां सारे लई असी प्रार्थना करिए। माँ मरियम दी सिफारिश नू जो लोग उत्ते जांदे हन सारे लोग हासिल कर सकिए। ये परब पोप पाइस पांचवा ने स्थापित किया सी। जदो लड़ाई होया सी
मसीह संगत आते टर्किश और इस्लाम लोकां दे लई उत्ते दोनों विचकार बहुत लड़ाई होया सी। आखिरी दिन में जो वो रोजरी शुरू किया करीबन 1570 साल विच, सो मसीह लोग खास करके जित गया उन्हां दे लई शुक्रगुजारी करन लई रोजरी दा मां ईद मनाउन लई पोप पाइस फिफ्थ ने ऐलान किया सी। रोजरी विच असी प्रभु येसु मसीह दा फेदाओं नू असी मनन चिंतन करदे हन। जिस तरह पर येसु मसीह जन्म होया, जिस तरह पर माँ मरिया एलिजबेथ नू मिल लिया, सो सारे येसु मसीह दा जन्म ते लेके पुनरुत्थान तक असी इन्ना पैदाओं नू असी मना रहे हन। इन रोजरी विच असी भी अपना जीवन विच प्रभु येसु मसीह दा जीवन घटनाओं नू याद करना जरूर है। हर लोग, हर आदमी, औरत, बच्चा, सारे लोग प्रभु दा संदेश नू सुन के प्रभु दा वचन नू प्रभु दा बाणी नू पालना पोषण करके अपना जीवन गुजारी करन लई असी खास प्रार्थना करेंगे। आज खास करके इस अपना पंजाब यात्री कलेसिया दे लई, खास करके आज जिन्ना लोग प्रार्थना भवन रिट्रीट सेंटर विच जांदे हैं उन्हां सारिआं नूं असी याद करिए। जो उत्ते जा रहे हैं उन्हां सारे लोग मां मरियम दी सिफारस नूं अनुभव कर सकीए। जो महिमा होया उन्हां जीवन विच, जो सारे मिलके शुक्रगुजारी करदे हन आज उत्ते पवित्र कुरबानी दे राही, आइए आज इस पवित्र कुरबानी नूं उन्हां लोकां दे लई खास समर्पण करेंगे जो लोग प्रार्थना भवन रिट्रीट सेंटर जांदे हैं उन्हां सारिआं नूं, और जो लोग असी इस पवित्र कुरबानी नूं वेखदे हन, भाग लेंदा ने, हिस्सेदार बनाउंदा ने, उन्हां सारिआं दे लई असी खास प्रार्थना करेंगे ता जो वो खुदा दी माँ, परमेश्वर दी माँ नूं अनुभव कर सकीए अपना जीवन विच। इस पवित्र कुरबानी नूं जो ढंग नाल मनाउण लई सोच विचार के मनन चिंतन करिए, अपना साडे गुनाह दे लई पछताव करो ता जो इस पवित्र कुरबानी विच योग ढंग नाल मना सकीए। मैं इकबाल करदा हाँ, पूरी कुदरत वाले खुदा आते तुहाडे अगे ऐ प्राव ते पैनो कि मैं सोचन नाल, बोलन नाल, करन नाल आते अनगिलनी नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल। इसलिए मैं तन सदा कुवारी मरियम सारिया फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ऐ प्राव ते पैनो मैं बेनती करदा हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे, साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदी भी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ए प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर, ए मसीहा दया कर, ए मसीहा दया कर, ए प्रभु दया कर, ए प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए।
ए खुदा साढ़े बाप साढ़े दिलों विच अपना पाक फजल पा दे। तू जो फरिश्तिया दे राही अपने बेटे दे देहादारन दे संदेश नू साढ़े उत्ते जार किता है। बख्श दे कि उस दे दुख तसीले अते सलीबी दे राही तनकुवारी मरियम दी सिफारस नाल असी जीवटन दी महिमा विच पहुँच जाइए। साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूपाक दी एकता विच एक खुदा जिंदावत राज करता है सदा तो सदा तीकर। आमीन। पाठ पहला बारुक दी पुस्तक चार बाप पांच तो बारह अते सताई तो उन्ती आयत तक। मेरे लोगो हौसला रखो, तुसी इसराइलियां दे नां नूं कायम रख्या है। तू गैर कौमां दे हत्थी तबाही लई नहीं वेची गई। तू खुदा दे गुस्से नूं भड़काया सी, इस लई तू अपने दुश्मनां दे हवाले कर दित्ती गई। तू अपने रचनहारे नूं नाराज़ कीता सी क्योंकि तू खुदा नूं नहीं सगो देवतियां नूं बलि चढ़ाउंदी सी। तू उस अकाल खुदा नूं भुला दिता जिसने तेरी पालना कीती। तू यरूशलम नूं दुख दिता जिसने तेरा पालन पोषण कीता सी। उसने खुदा दा गुस्सा तेरे उत्ते आउंदा वेख्या अते कहा, सियोन दी गवांडियो मेरी सुनो, खुदा ने मेरे उत्ते एक वड्डा दुख भेजिया है क्योंकि मैं अपने पुत्र पुत्रियां नूं गुलाम हुंदे वेख्या है। इस नूं अकाल खुदा दे उहना उत्ते भेजिया है। मैं आनंद अते खुशी नाल उहना दी पालना कीती पर दुख अते हंजुआ नाल उहना नूं विदा कीता। कोई मेरा मखौल ना उड़ावे, मैं एक विधवा हाँ अते मैं सभना वालों त्यागी गई हाँ। मैं अपनी संतान दे पापा दे कारण छड़ दित्ती गई हाँ क्योंकि उहना ने खुदा दे हुक्मां तों मूँह फेर लए। मेरे बच्चियो हिम्मत रखो, खुदा अगे दुहाई देवो क्योंकि जिसने यह सब दुख तुहाडे उत्ते भेजे हन वह तुहानू याद करेगा। जिस तरह तुसी खुदा तो दूर जान दी गल सोची सी हुण दस गुणा ज़्यादा उत्साह नाल उस वल मुड़ आउण दी कोशिश करो क्योंकि जिसने यह बितावां तुहाडे उत्ते आउण दित्तियां हन ओह ही तुहानू अनंत खुशी नाल मुक्ति प्रदान करेगा। यह प्रभु दी पागवाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेती जदों पुकारा तेनू खुदाया। जदों पुकारा तेनू खुदाया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला मेरे वल तू छेती। यहोवा मैं पुकारदा हां
कलाम तेरा सब नो सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा कलाम तेरा सब नो सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा जीवन दा सोमाए तू वेंदा होया सोमाए तू जीवन दा सोमाए तू वेंदा होया सोमाए तू कलाम तेरा सब नू सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा कलाम तेरा सब नू सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा सुनावांगा सदा प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे पाक पवित्र अंजील संत लूका दे अनुसार तेरी बड़ियाई होवे ऐ प्रभु 10 बाप 17 आयते 24 तक 72 खुशी खुशी यही कहिंदे होवे वापस आए प्रभु तुहाडे नाम ते बद्रुहां भी साढ़े आधीन हन उसने उन्होंने कहा मैं शैतान बिजली वांग आकाश तो डिगदे वेखिया वेखो मैं तुहानू साप अते विषयां उत्ते चलन दा अते दुश्मन दी सब शक्ति उत्ते इख्तियार दिता है अते कुछ भी तुहानू हानि नहीं पहुँचेगा फिर भी इसलिए खुश ना होवे कि बद्रुहां तुहाडे आधीन हन सगों इसलिए खुशी होवे कि तुहाडे नाम स्वर्ग विच लिखे गए हन उस समय रूपा विच आनंदित होके उसने कहा ए बाप स्वर्ग ते धरती उत्ते प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ कि तुसी इन्हां गल्लां नूं बुद्धिमान अते समझदारों तो लुका के रखिया अते उन्हां नूं बच्चियां उत्ते प्रगट कीती है हाँ बाप यही तुहाडी पवित्र इच्छा सी मेरे बाप वालों सब कुछ मैनू समझ दिता गया है कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है सिवाय बाप दे जा बाप कौन कौन है सिवाय पुत्र दे अते वो उस उत्ते पुत्र नो प्रकट करन दी मेहर करदा है फिर उसने अपने चेलिया वालों मोड़ के उन्हां नूं निज तौर ते कहा तन हन वो हाकां जो वो वेखदे हन जिस नूं तुसी वेख रहे हो क्योंकि मैं कहंदा हाँ बहुत सारे नबी अते राजा उस नूं वेखना चाहुंदे सन जो तुसी वेख रहे हो पर उन्हां ना वेखिया अते वो उसनों सुनना चाहुंदे सन जो तुसी सुन रहे हो पर उन्हां उसनों ना सुनिया प्रभु दी पवित्र अंजील तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा मसीह विच मेरे प्राओ अते पेनो आज खुशी नाल माँ मरियम दे आदर विच रोजरी दी माँ दे परब असी त्यौहार मना रहे हन आज इस परब दे राही बहुत लोग जिते जिते माँ मरियम दी रोजरी दा तीर्थ स्थल है उत्ते जांदे हन लोग अपना डायसिस विच लुधियाना ते प्रार्थना भवन रिट्रीट सेंटर विच बनिया और कई जगह में हर गिरजा में भी हर पैरिश में
वक्रे वक्रे रोजरी दा विला बनिया सी कोई कोई के वड्डा चर्च में इन्ना सारे लोग धूमधाम नाल इस परब नू मना रहे हैं। ये परब मैं तानू दसिया सी ये परब 1570 में पोप संत पाइस पांचवा ने ऐलान किया सी जो लड़ाई चलते हैं मसीह लोग और मुसलमान लोग विच तर्की और तर्किश पीपल विच होया सी। इस समय मसीह लोग और प्रभु ने मान लिया लोग क्रिश्चियंस और जित गया इन्हों के निशान दे लई पोप पाइस संत 5th ने ऐलान किया सी। सो रोजरी माला विच और असी याद करते हैं मनन चिंतन करते हैं प्रभु येसु मसीह दा जनन तो लेके पुनरुत्थान तक असी ये पैदा नू मनन चिंतन करते हैं। मां मरियम दी सिफारस लगे बहुत बहुत लोग अपना जीवन विच महिमा वेखिया प्रभु दा प्यार नू अनुभव किया सी। लोग कहिंदा सी असी खुदा दी मां परमेश्वर दी मां साडे लई मां असी मां दा बेटा बेटिया हन। इसलिए असी कई बार कहीं भी हो दुनिया में अपना मां नहीं छड़ देंदा हन। असी भी खुदा दी मां मसीह दी मां साडे लई मां है। इसलिए उन्हां नूं आदर करना इज्जत करना उन्हां दी सिफारस मांगना जरूरी हन। आज इस पवित्र कुरबानी नूं वेखदे हन सारे लोकां दे लई और आज इस रोजरी मां दा ईद दे लई लोग तीर्थ स्थल जाते हैं उन्होंने सारे लोगों के लिए असी खास प्रार्थना करिए। जो लड़ाई होया सी ये दोनों भरा दे लई मुसलमान और ईसाई लोग उसी समय उन्होंने रोजरी पढ़िया सी जिस दे राही मां मरियम दी सिफारस राही जित गया सी। इसलिए वो उस समय 1517 करीबन पोप पाइस ने ऐलान किया सी। उत्तों से लेके हुण तक इस परब असी मना रहे हैं। ये परब मनाउना जरूर है। जो इतिहास कहिंदा सी रोजरी पढ़न दे राही लोग मां मरियम दे सिफारिश दे प्रभु नू किस तरह पा प्यार नू अनुभव किया है वो इतिहास सानू संतां दे राही सानू कहिंदे हन। असी भी प्रभु येसु मसीह दा जीवन नू जन्म तो लेके पुनरुत्थान तक असी प्रभु येसु मसीह दा जीवन असी याद करते हैं मनन चिंतन करते हैं रोजरी दे राही रोजरी दे राही असी मनन चिंतन करते हैं। मां मरियम दी चाहिदा फुल माला नहीं है फिर चाहिदा रोजरी माला प्रभु येसु मसीह दा जीवन मनन चिंतन करना प्रभु येसु मसीह दा जीवन घटनाओं मनन चिंतन करके अपना जीवन प्रभु दा कोल संपना जरूर है। इसलिए प्रभु कहिंदा सी अंजील में असी सुनिया है ए अब्बा ए बाप कहिंदा सी खुदा नूं। सो येसु मसीह पवित्र आत्मा दे राही पर गया पवित्र आत्मा दे रही ये बोलिया सी ए अब्बा। फिर कहिंदा सी
ये प्रभु ने बुद्धिमानों और समझदार लोगों को लुका के छोटी छोटी बच्चों लिए ऐलान किया गए हैं। असी भी जो प्रभु का पैदा असी अनुभव किया है, जो कलेशिया दिता गया प्रार्थना दे राही कलेशिया साढ़े लिए बनाया नवीना दे राही असी प्रभु का प्यार अनुभव किया है। मेरे प्रावत पेनो इसलिए प्रभु कहता से मैं तुहानू बहुत अधिकार दिता सी सपानु फड़न लई बुशियां उत्ते चलन लई। इसलिए प्रभु कहता सी इसके लिए तुसी छे आनंदित ना हो, आनंदित हो इसलिए तुहाडे नाम उत्ते स्वर्गराज विच लिखिए गए हैं, उसलिए आनंदित हो। आजकल असी प्रभु दे नाम उत्ते बहुत लोग चमत्कार करते हैं, बढ़िया है। जो चमत्कार करते हैं प्रभु दे नाम उत्ते, प्रभु कहता सी ये ना आनंदित हो तुसी जिस तरफ कर रहे, आनंदित हो तुसी तुहाडे नाम स्वर्गराज विच लिखिए हन। तुहाडे नाम मेरा नाम उस विते लिखना जरूर है। इस वरदान लिए असी खास प्रार्थना करेंगे। अपना जो लोग प्रभु दा पवित्र बाणी सुन के मनन चंदर करते हैं, अपना जीवन गुजारी करते हैं, उन्हें सारे लोगों के लिए नाम प्रभु दा आगे प्रभु दा कोल स्वर्गराज विच लिखना जरूर है। इस वरदान लिए असी ताड़े नाम ताड़े परिवार का नाम मेरा नाम अपना सारे कलेसिया का मैंबर का नाम और सारे सेवका सेविकिया का धर्म भैन भैन उन्होंने सारे दी नाम उत्ते लिखना जरूर है। सो इसके लिए असी मेहनत करना, प्रभु का वचन पालना करना, प्रभु का वचन पोषणा करना, प्रभु का वचन के अनुसार मुताबिक अपना जीवन गुजारी कर सकना। आओ इस वरदान लिए महामरियम की सिफारस मांगिए। सलाम ए मरिया, फजल नाल परी हुई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों तन है, नाले तन है तेरी खुदा फली यीशु। आए हजरत मरियम खुदा दी माँ, असां गुनागार लई दुआ कर, हुण ते साडी मौत वेले आमीन। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती आ। यहोवा मैं पुकारदा हां, मेरे वल तू छेती जदों पुकारा तेनू खुदाया, जदों पुकारा तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला, मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तू छेतिया, मेरे व
प्रावत पेड़ प्रार्थना कर मेरी तोड़ कुर्बानी पूरी कुदरत वाला खुदा बाप नु कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी नु तुहाडे हत्थां दे विचों अपने नाम दी उस्तत अते वडियाई लई अते साडे अते सारी पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करे। ए प्रभु पाकु एकरस दी कुर्बानी चढ़ाउन लई सानू योग बना दे, बख्श दे कि तेरे बेटे दे पाक पैदानू असी सच्चे ईमान नाल मनाईए ता जो असी नजात दे फल नू हासिल करिए साडे प्रभु मसीह दे राही। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ। असी अपना दिल प्रभु वल लगाउंदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए। इह सही अते योग है। ए प्रभु पवित्र बा पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा यह सचमुच सहयोग है मुक्ति पावन दा राह है कि असी हर वेला अते हर दा इस मसीह अपने प्रभु दे राही तेरे धन्नवाद करिए। तू अपने कलेसिया हर समय अते हर रूत लई अपने फसल दे वरदान दिंदा है अते अपने प्यार भरी योजना दी अजीब ढंग नाल कलेसिया दी अगवाई करदा है। तू सानू अपना रूपक दिंदा है। तू उसकी शक्ति तो मदद पा के असी प्यार भरे भरोसे नाल हर मौका माल विच तेरे वल मोड़िए अते हर खुशी विच अपने प्रभु मसीह दे राही सदा तेनू शुकराने चढ़ाइए। इसलिए फरिश्तिया ते महाफरिश्तिया अते सारे स्वर्गीय लश्कर नाल मिलके तेरी महिमा दे गीत गावन दे ऐलान करदे हां। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन। उचाइयां विच हो सना मुबारक है ओ जो प्रभु दे नाम ते आउंदा है। उचाइयां विच हो सना। ए प्रभु तू सचमुच पाक सब पवित्र दा सोमा है। इसलिए असं बेनती करते हैं जिस तरह तेल पेंद वसे दरबा अपने रूपाक ने बेच के इन्ह नजरेनिया पवित्र कर ता जो साढ़े लिए सड़ प्रभु इस मसीह बदन अते लहू बन जाए। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप ने दुखता सिले समझते हुए रोटी लिया धनवाद कर दिया रोटी तोड़ी अते अपने चिलिया दिता ये कहिंदे होवे। तुसी सारे लवो अते इस विचों काओ खिंजो ये मेरा बदन है जड़े तुहाडे लई कुरबान किया जाएगा। इसे तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया एक बार धन्यवाद कर दिया प्याला अपना चिलियानू दित्ते ये कहिंदे होवे तुसी सारे लवो अते इस विचों पियो किंजो ये मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदीव नाम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतिया वास्ते गुनाह दी माफी लई वहाया जावेगा मेरी याद विच करिया करो। ईमानदार पेत ए प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठन दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा। ए प्रभु असी यीशु मसीह दे मौत अते उस जी उठन दी यादगारी मनाउंदे वे तेनू जीवन दी रोटी अते मुक्ति दा प्याला उनो चढ़ाउंदे हां। असी तेरी धन्नवाद करदे हां क्यों जो तू सानू इसे गट रह के असी तेरी हजर विच दाखल होके तेरी सेवा करिए। असी अलमी नाल दुआ करदे हां मसीह दे बदन अते लहू विच ये सा लैंड द्वारा रूपाक दर एकदा विच बजे रहिए। ए प्रभु सारी धरती उत्ती फैली हुई अपनी यात्री कलेशियां नूं याद कर अते उसने साढ़े संत पापा फ्रांसिस साढ़े बिशप रसोलिक संचालिक आज्ञलन नूं अते सारे पुरोहित नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साढ़े प्यान प्रवाह नूं याद कर जड़े जीवटन दी उम्मीद नाल सो गए हन इन्हों का तो अपने अज के सैनन में स्वागत कर। ए प्रभु असी बेनती कर कि साढ़े सारे उत्ते दया कर ता जो तन कुवारी मरियम खुदा दी माँ देव नाल उसे कुवर बाबर सिंधु ये शब्द नाल तन रसुल्ला सारे संतान नाल जिन्ना ने सरकृष्ण खुश किया है असी सदीव जीवन दे और असंदकदार बन जावेंगे। तेरे बेटे इस मसीह दे राही तेरी बड़ियाई अते
वस्तात करांगे उसदे राही उसदे नालते उसदे बेचे खुदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपाकते एकता विच सब जलालते बढ़ियाई तेरी है सदा तो सदा थी कर आमीन। आओ सारे मिलके खुदा दा राज आवन लई प्रार्थना करिए। ए साडे बाप जेड़ा तू समान ते है तेरा नाम पाक मन्या जावे तेरा राज जावे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे साडे रोज रोटी अज सानू दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां सानू अजमाइश विच ना पा सगो बुराई तो बचा। हे प्रभु असी प्रार्थना करते हैं सब बुराई तो सानू बचा अपने रहम नाल साडे दिन विच शांति दे ता जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाहां तों मुक्त रहिए अरम सुरक्षित रहिए जीवे मुबारक उमरक दे असी इस मसीह साडा मुक्तिदाता आवंडी वडी कर दे हा क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युग युग तेरा ही है। हे प्रभु इस मसीह तू अपन रसूलां नू आके मैं तुहानू शांति देंदा हा अपने शांति में तुहानू प्रदान करदा हा तू साडे गुनाहां नू नहीं सगों अपने कलीसिया दे मान नू वेख अते उसने अपने मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर तू जो जीवन दा अते राज करता है सदा तू सदा तीकर आमीन। प्रभु दे शांत सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे ते आपा विच शांत दा सलाम देवे सारे शांत ऐ ले ले खुदा दे तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है साडे उत्ते दया कर ऐ ले ले खुदा दे तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है साडे उत्ते दया कर ऐ ले ले खुदा दे तू जरा दुनिया दे गुनाह चुक लेंदा है सानू शांति दे। वेखो खुदा दा लीला इन्हें वेखो जरा संसार दे गुनाह चुक लेंदा है तन है जड़े लेले दे भोजन लई सदे गए हन। ऐ प्रभु मैं योग्यता नहीं हां कि तू मेरी छत ले आवे पर की शब्द आक ता मेरी रूह चंगी हो जावेगी। आता हो ना बोझे उठा हो प्यारा हम सीहा लवेगा उठा भाई सबनू बुलावे पालो रिहाई बेपरवाही त्याग के भाई सबनू बुलावे पालो रिहाई वक्त सुनहरी लवो ना गुवाहा प्यारा मसीहा लवेगा प्रचार आ जाओ फरिश्तिया ने मरियम नू कहा वेख तू गर्भवती होवेगी अते एक पुत्र नू जानेगी अते तू उसका नाम येसु रखेगी। असी प्रार्थना करिए। एक उदा साडे बाप पाक युक्रिस्त दे इस साक्रमेंट विच असी तेरे बेटे दी मौत अते जीव उठन दी ऐलान करते हाँ बख्शदे कि असी उसके दुखों विच सदा उसके नाल जोड़े रहिए ता जो तेरे राज दी बेअंत खुशी दे ईशेदार हो सकीए साडे प्रभु
ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਪਈਏ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ ਐ ਦੇਹ ਧਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਆਮੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਕਾਪ ਵਾਂਗੂ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਪ ਵਾਂਗੂ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ